ओके बच्चा पार्टी, आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेटा ये जो टॉपिक है ये बवाल टॉपिक है। तुम लोगों को ना मैट का ज़रूरत है ना कुछ ज़रूरत है। एकदम मैट वैट बंद कर लो, एकदम मेरे साथ एकदम जुड़ जाओ। बेहतरीन तरीका से मैं आपको ये पढ़ाऊंगा एंड आई प्रॉमिस आपको लॉ से प्यार हो जाएगा, चाहे आप फाउंडेशन लेवल में हो, चाहे इंटर लेवल में हो, चाहे फाइनल लेवल में हो। ठीक है, मैं ये बता दूं, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ये एकदम बवाल है। ठीक है, एकदम मजे में पढ़ेंगे और पूरा प्रोविजन को समझते हुए चलेंगे कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है क्या और इसका क्या काम है। ठीक है, और ये एक्ट क्या बोलता है। ये एक्ट आपके इंटर लेवल में भी है बेटा, ये एक्ट आपके इंटर लेवल में भी है, इसीलिए इसको एकदम मन लगा के एकदम जोश के साथ पढ़ेंगे हम लोग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेहतरीन वे में मैंने पीपीटी आपके लिए बनवाया। देखिए पीपीटी, देखिए आप पीपीटी देखिए, मेहनत देखिए बंदे का, मेहनत, ताकि आपको मजा आए पढ़ने में। आई स्वेर सारे एमसीक्यू आपके बदन से, बॉडी से निकलेगा कि वाह क्या मजा आया पढ़ने में। चलिए हम ना एकदम बेसिक चीज समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन से एक्ट से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था लॉ का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। उस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं लॉ क्या होता है, एक्ट कैसे बनते हैं, ये बेसिक मैंने बता दिया था। अब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, ये कहां से शुरू होता है और कैसे शुरू होता है, मैं बोलता हूं, ध्यान से देख। हमेशा याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टी जरूरत होता है। ये क्या लिखा हूं मैं, बोल बॉय नहीं है ये, मैं बनाऊंगा एक मस्त हैंडसम सा एक पार्टी। ठीक है, ये इंस्टाग्राम में मैंने सीखा, रील्स में। दो पार्टी होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कितना पार्टी होता है बताइए, दो पार्टी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, अब भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताइए ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं बोले सुन तो ले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ध्यान से समझ। जब एक इंसान सामने वाले इंसान को कुछ ऑफर देता है, क्या देता है बताइए, ऑफर। जब एक इंसान सामने वाले इंसान को क्या देगा बताइए, ऑफर। वंस मोर, जब एक इंसान सामने वाले इंसान को क्या देगा बताइए, ऑफर। ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई और नहीं आप लोग है, और मान लीजिए ये कोई और नहीं मैं हूं। ठीक है, तो आप लोग मेरे से पढ़ना चाहते हो कि भैया भैया पढ़ा दो, भैया लिख दे रहे हैं, नहीं तो कुछ और कोई समझ जाता है क्या क्या। मान लो कि आप मेरे से पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे को क्या दे रहे हो, ऑफर, कि भैया लॉ पढ़ा दो ना प्लीज, भैया लॉ पढ़ा दो ना। तो आपने मेरे को क्या दिया, ऑफर, आपने मेरे को क्या दिया, ऑफर। और अगर मैं उस ऑफर को, ये देखिए नंबर वन, आप सबसे पहले मेरे को क्या देंगे, ऑफर, भैया लॉ पढ़ा दो ना। मैं उस ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ बेटा मैं आपको ये लॉ पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको लॉ, तो याद रखिएगा हमारे बीच में ऑफर था और आप, मैंने उसे क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे बीच में अब हो गया है एक तरह का प्रॉमिस। क्या हो गया बोलिए, प्रॉमिस। आपने ऑफर दिया भैया लॉ पढ़ा दो, मैं बोला हाँ पढ़ा दूंगा, एक्सेप्टेंस हो गया। तो जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस हो जाता है बन जाता है प्रॉमिस। मान लो मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, मान लो मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, और मैं उस लड़की को बोला आई लव यू, आई लव यू, वो लड़की बोली आई लव यू टू। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और वो मेरे से बेइंतहा मोहब्बत करती है, और हम लोग एक दूसरे को वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग साथ रहेंगे। उसी तरह आप लोग ने मेरे को बोला कि भैया लॉ पढ़ा दो, आई लव यू नहीं बे, लॉ पढ़ाना है, लॉ में आ जाओ, बोलता भैया आई लव यू, ऑफर दिया,
ऑफर दिया, क्या चीज का ऑफर दिया कि भैया लॉ पढ़ा दो, मैं बोला हाँ मैं लॉ पढ़ा दूंगा, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस होते ही दो लोगों के बीच में क्या हो जाता है, प्रॉमिस। अब ध्यान से समझिएगा, हो गया ऑफर एक्सेप्टेंस। अब तीसरा, आप क्या पूछेंगे कि भैया आपका फीस क्या है, यस और नो, और इसी फीस को मैं बोलूंगा कंसीडरेशन। इसी फीस को मैं क्या बोलूंगा, बोलिए कंसीडरेशन, और इसको हम लोग एक सिंपल वर्ड में बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न। इसी को हम लोग क्या बोलते बताइए, समथिंग इन रिटर्न। इसी को हम लोग क्या बोलते बताइए, समथिंग इन रिटर्न। तो एकदम क्लियर कट समझिए, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, मैंने मान लीजिए उल्टा करते, आपने मेरे को ऑफर दिया कि भैया लॉ पढ़ा दो, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, आपने बोला भैया फीस, मैं बोला मैं फीस लूंगा 5,000 रुपया, लॉ का लूंगा 5,000 रुपया, तो ये मेरा फीस है, तो ये कंसिडरेशन हो गया हम लोग के बीच में, क्या हो गया कंसिडरेशन। आप मेरे को फीस दे रहे हो, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, तो देयर इज समथिंग इन रिटर्न, हम लोग में लेन देन है। और अगर उसी प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ जाता है, अगर उसी प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ जाता है, अगर उसी प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ जाता है, तो वो बन जाता है अग्रीमेंट। वो क्या बन जाएगा बोलिए, अग्रीमेंट। आर वी थ्रू विद दिस? उसी प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा अग्रीमेंट। आर वी थ्रू विद दिस? यानी कि अब हम लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट हो चुका है, हम लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट हो चुका है, और यही अग्रीमेंट बेटा, अगर यही अग्रीमेंट हम दोनों के बीच में क्या हो चुका है, अग्रीमेंट हो चुका है, हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो चुका है, क्योंकि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होता है अग्रीमेंट। सॉरी, तो हम दोनों के बीच में क्या हो गया है, अग्रीमेंट। और वही अग्रीमेंट बेटा, अगर वही अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, वही अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। वही क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। वही अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में बनता है, जहां पे एक इंसान सामने वाले इंसान को, या सामने वाला इंसान उस इंसान को बाउंड करता है कोई ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। आप लोग वादा करते हैं कि आप ये ड्यूटी निभाएंगे, जैसे मैं एक वादा करता हूं, हम लोग के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, सर्विस दूंगा। आप वादा करते हैं कि आप जो हम लोग को सर्विस दे रहे उसके बदले मैं आपको पेमेंट फीस दूंगी या दोगे, तो ये हम लोगों के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया एक चीज समझा दो, आप बोला कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस, मैं बोला हाँ एकदम बोला, प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ा तो बोला अग्रीमेंट, हम बोले हाँ एकदम बोला, तो भैया ये एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है। भैया देखो, डेली बेसिस में हम लोग अग्रीमेंट करते हैं, अब जरूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, ऐसा कहीं जरूरी है ही नहीं कि हर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। अगर एक अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है, डिपेंड करता है अग्रीमेंट बना किस बेसिस पे। मान लीजिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, कौन है मेरी गर्लफ्रेंड, उससे नीड क्या है तुमको, नीच, अपना काम पे ध्यान दो, नीच एक नंबर का पक, सुनो ध्यान से। मान लो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारा सब ले आऊंगा, तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा तुम्हारे लिए मैं चांद तारा ले आऊं, तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा तुम्हारे लिए चांद तारा ले आऊं, वो बोली पक्का लाओगे, मैं बोला एकदम पक्का फाइनल लाऊंगा, मैं टेंशन मतलब पक्का लाऊंगा, मैं चांद तारा सब ले आऊंगा, तो ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, अग्रीमेंट हुआ कि हम उसके लिए चांद तारा लाएंगे, अग्रीमेंट हुआ, हाँ भैया हुआ, अग्रीमेंट तो कर लिए कि आप चांद तारा लाएंगे, वो आपकी गर्लफ्रेंड बन गई इसी बेसिस पे। हम नहीं लाए चांद तारा, क्या वो मेरे पे केस कर सकती है, नहीं कर सकती है।
बिकॉज ऐसा अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, कानून के नजर पे वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है, ऐसा अग्रीमेंट आप एनफोर्स नहीं करवा सकते, नीच, इट इज नॉट एनफोर्सेबल। सेकेंड चीज समझो, तुम लोग बोला भैया मेरे घर आओ ना खाने पे, हम बोला देख ले भाई हमको बुला रहा है हम खाते बहुत है, बोला आओ ना भैया आओ ना प्लीज मेरे घर आओ ना खाने पे, आओ ना प्लीज भैया आओ ना मेरे घर खाने पे, मैं बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ खाने पे आऊंगा, तुम लोग मेरे लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया, खाना पीना एकदम मस्त बवाल वे में बनाया, जो तुम लोग दो रोटी में काम चला रहा था मेरे लिए 20-25 रोटी बनाया, 2-3 किलो पनीर बनवाया सिर्फ मेरे लिए, और मैं बोल दिया सुन ना भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, पहले अग्रीमेंट हुआ था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, अब मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं आऊंगा, क्या ये अग्रीमेंट लेके तुम कोर्ट के पास एनफोर्स करवा सकते हो, कोर्ट में जाके बोल सकते हो हम लोग में कॉन्ट्रैक्ट हुआ थी मेरे घर आएगा हम उसको खाना खिलाते स्पेशल अरेंजमेंट किए थे डैमेज हुआ है लॉस देने बोलिए, नहीं बोल सकते बिकॉज ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि अग्रीमेंट होना चाहिए, और वो अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट माने जाएगा या तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये चीज़ अपने दिमाग में आप डाल रखिए। तो हर एक अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा वही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यानी कि अगर कोई अग्रीमेंट ऐसा है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक नहीं है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो यहां तक जो पढ़े एक बार हम लोग क्विक रिकैप करते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़े इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्चुअल में इसका जो जन्मदिन है वो है 1 सितंबर 1872। उसका जो जन्मदिन है वो कब है बताइए? 1 सितंबर 1872 में ये कानून एप्लीकेबल हुआ था, ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था 1 सितंबर 1872 में। ठीक है, फिर हम लोग ये पढ़े, बोलते रहिए कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक इंसान क्या देता है? ऑफर। एक इंसान क्या देगा बोलिए? ऑफर। एक इंसान क्या देगा बताइए? ऑफर। ऑफर, और जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? वेरी गुड वेरी गुड, क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। और प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वेरी गुड अग्रीमेंट। वेरी गुड वेरी गुड, और वही अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? बताइए बताइए बताइए, गेस करिए। गेस करने का क्या भैया पता है हम लोग को? कॉन्ट्रैक्ट। आर वी थ्रू विद दिस? आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो? क्या हम आपको यहां तक क्लियर कर पाए कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट, एंड अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ABCD आता है। अब हम लोग लॉ में जाएंगे। लॉ का मतलब होता है सेक्शन। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली सेक्शन 1, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात करेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात करूं तो सेक्शन 1 हमेशा बात करता है एप्लीकेबिलिटी का। सेक्शन 1 हमेशा बात करेगा किसका बताइए? एप्लीकेबिलिटी का, जो ये बोल रहा है कि इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। सिंस कब? 1 सितंबर 1872। सिंस 1 सितंबर 1872 से ये एप्लीकेबल हो जाता है ऑल ओवर इंडिया। अगर मैं आपसे इसमें डेफिनेशन का बात करूं तो हमेशा याद रखना कि हर एक डेफिनेशन सेक्शन 2 में दिया रहता है, हर एक डेफिनेशन सेक्शन 2 में दिया रहता है। और लास्ट क्लास मैंने आपसे बात किया था कि डेफिनेशन में सब सेक्शंस नहीं आता, डेफिनेशन में सब सेक्शंस नहीं आता, ये आएगा सेक्शन 2, और इसके बाद कुछ भी आ जाए उसको आप क्लॉज बोलेंगे, उसके बाद अगर कुछ आ जाए तो सब क्लॉज बोलेंगे। डेफिनेशन में सब सेक्शंस नहीं आता। आई रिपीट माई सेल्फ डेफिनेशन में सब सेक्शंस नहीं आता। तो भैया हम लोग अभी सेक्शन 1 पढ़ चुके हैं, बोले यस ब्रो यस, हम लोग सेक्शन 1 पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो एक बार मेरे आत्मा की शांति के लिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है?
अः भैया एक ही चीज 50 बार बुलवाते, बोलो ना जान। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होता है? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होता, बोलो? अग्रीमेंट। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होता, बोलो? अग्रीमेंट होता। अग्रीमेंट, यस और नो। और यही अग्रीमेंट जब, एक सेकेंड, तो देखो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन अग्रीमेंट होता है। और जब हम लोग वो अग्रीमेंट का बात करें, और वही अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, वही अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, वही अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब चलिए एक एक का सेक्शंस पढ़ेंगे, एक एक का सेक्शंस याद करेंगे। आपको एक काम करना है, आपको एक जगह पे लिस्ट ऑफ सेक्शंस मेंटेन करना है मेरे साथ, लिस्ट ऑफ सेक्शंस मेंटेन करना है मेरे साथ, लिस्ट ऑफ सेक्शंस मेंटेन करना है मेरे साथ। देखिए ऑफर का जो सेक्शन होता है, आप ABCD पढ़े बचपन में, पहले ए आता है कि बी आता है? भैया पहले ए आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले अपने क्या देते हैं? ऑफर। तो ऑफर का सेक्शन टू, देखो सेक्शन टू तो रहेगा ही, क्लॉज ए याद रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी ऑफर पहले चाहिए, तो ए पहले आता है, तो सेक्शन टू क्लॉज ए। अब आता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का सेक्शन है सेक्शन टू क्लॉज बी, सेक्शन टू क्लॉज बी। नेक्स्ट आता है प्रॉमिस, प्रॉमिस का सेक्शन भी सेक्शन टू क्लॉज बी है। यस हम सही बोल रहे हैं, प्रॉमिस का भी सेक्शन टू क्लॉज बी है। ऐसे बोलता है, व्हेन एक्सेप्टेड, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट इज नोन एज प्रॉमिस, सेक्शन टू बी। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के स्पेलिंग में डी भी आता है, ठीक है? तो सेक्शन टू डी डिफाइन करता है क्या, बताइए? कंसिडरेशन। सेक्शन टू डी क्या डिफाइन करता है, बताइए? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है? अग्रीमेंट का सेक्शन है टू ई, अग्रीमेंट का सेक्शन है टू ई, अग्रीमेंट का सेक्शन है टू ई। होप्स यू आर गेटिंग दिस, ओके? अग्रीमेंट का सेक्शन है टू ई, उसके स्पेलिंग में ई भी आता है, तो टू ई। एंड यस कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है सेक्शन टू एच, सेक्शन टू एच। तो चलिए मेरे से याद करिए, ऑफर का सेक्शन क्या हुआ बेटा? टू ए। एक्सेप्टेंस का सेक्शन क्या हुआ? टू बी। प्रॉमिस का सेक्शन क्या हुआ? टू बी। और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का सेक्शन क्या है? टू डी। अग्रीमेंट का सेक्शन क्या है? टू ई। और वही अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो क्या माना जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है? टू एच। आर वी थ्रू विद दिस? वंस मोर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या माना जाता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या माना जाता है? अग्रीमेंट। और वही अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। आर वी थ्रू विद दिस? तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग सेक्शन वाइज भी पढ़ लिए। आपके मन में खिचपिच कर रहा होगा कि भाई यार टू सी क्या होता है। मैं बोला एकदम घबराना नहीं, बता दूंगा, बट उससे पहले हम लोग अब सेक्शंस में जाके डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। भैया याद कैसे होगा? जैसे मैं याद करवा रहा हूं, सेक्शन टू क्लॉज एच, सेक्शन टू क्लॉज एच क्या डिफाइन करता है बताइए? कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। सेक्शन टू क्लॉज एच क्या डिफाइन करता है बताइए? कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यही ना सीखे अग्रीमेंट? देखिए आप यही सीखे, अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है भैया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। हम बोले वेरी गुड, ये भी यही टू एच में भी लिखा है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। फिर आप मेरे से पूछेंगे भैया अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, हम बोले जरूर। अब आपका सवाल आएगा अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, मैं बोला अग्रीमेंट का सेक्शन है सेक्शन टू क्लॉज ई। तो आप क्या जानते हैं अग्रीमेंट के बारे में? जान आप क्या जानते हैं अग्रीमेंट के बारे में, आप मेरे को बताएंगे आप क्या जानते हैं अग्रीमेंट के बारे में? आप बोलेंगे भैया अग्रीमेंट के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि
अगर कोई अग्रीमेंट हुआ है तो अग्रीमेंट का मतलब हम लोग ये जानते हैं कि प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ जाएगा उसी को हम लोग अग्रीमेंट बोलेंगे। हम बोले वेरी गुड, इसी को लिख लेंगे हम लोग, इसी को लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे? एवरी प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट। हर एक वादा या बहुत सारे वादा, ध्यान से सुनो, मैंने वादा किया एक, या मैं बहुत सारा चीज़ आपको वादा करता हूँ परफॉर्म करने का, और उसमें कंसिडरेशन है, तो एवरी प्रोमिस हुआ एक, सेट ऑफ प्रोमिस हुआ मतलब बहुत सारा वादा, ठीक है, बहुत सारे प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी होते हैं। तो एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज कॉल्ड अग्रीमेंट। अब आप मेरे से पूछेंगे कि अग्रीमेंट का सेक्शन, अग्रीमेंट सॉरी कंसिडरेशन क्या होता है? मैं बोला कंसिडरेशन डिफाइन है 2D में। अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊं तो इसका डेफिनेशन बहुत बड़ा है। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing anything, does or abstained from doing anything, promises to do or abstained from doing anything, such act or abstinence said to be made a consideration. यह है इसका definition. हाय दैया, इतना बड़ा definition, इतना बड़ा definition कैसे पढ़ेंगे भैया? हम बोले कोई बात नहीं, at least इतना तो याद रख सकते हो ना, something in return. इतना तो याद रख सकते हो ना, समथिंग इन रिटर्न, इतना तो याद रख सकते हो ना। अब समथिंग इन रिटर्न का ही एक लैटिन वर्ड है जिसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यो। समथिंग इन रिटर्न का ही एक लैटिन वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। समथिंग इन रिटर्न का एक लैटिन वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। क्या बोलते बोलो? क्विड प्रो क्यो, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, जिसका मतलब होता है बोलो समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो। आर वी थ्रू विद दिस? समथिंग इन रिटर्न, लेन देन होना चाहिए। अब ये मैं जितना पढ़ाता हूँ ना, सारा MCQ है बेटा। एक बार मैं पढ़ा दूँ पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छी तरह से तो आप इसको अच्छे से लर्न कर पाओगे। चलिए सम अप करते हैं। ऑफर सेक्शन 2A, ऑफर के बाद क्या होता है? एक्सेप्टेंस 2B। जैसे एक्सेप्टेंस हो जाएगा क्या होगा? प्रॉमिस, राइट? प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए? अग्रीमेंट। और वही अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि अग्रीमेंट जब तक एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, बट ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। All contracts are agreement. अगर आप contract है तो आप agreement तो है, but हर agreement contract बन पाए ऐसा नहीं है। तो भैया कौन सा agreement contract बन सकता है? मैं बोला देख, अगर एक agreement को contract बनना है तो उसको section 10 fulfill करना पड़ेगा। Section 10 of what? Indian Contract Act. अगर एक बंदा सेक्शन 10 फुलफिल करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ और नहीं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
डिफाइंस या टॉक्स अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल करना पड़ेगा. अगर आप वो एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल कर लेंगे तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा, वरना आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा. तो वॉट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो ये बोलता है कि दो पार्टी के बीच में अग्रीमेंट तो होना ही चाहिए. ऑब्वियस सा बात है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब समझा, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारे कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, जिसमें से पहला नंबर कंडीशन ये बोलता है कि तुम लोग दोनों के मतलब दो पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए जान, अग्रीमेंट होना चाहिए. दो पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट. एक पार्टी ऑफर दे, दूसरा पार्टी उसको एक्सेप्ट एटलीस्ट करे. तो दो पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट. हार नहीं मानना है, पढ़ो. अग्रीमेंट होना चाहिए. दूसरा कंसेंसस. कंसेंसस कंसेंसस एड ईडम. नेक्स्ट क्या होना चाहिए बताइए? कंसेंसस एड ईडम. कंसेंसस एड ईडम का मतलब होता है मीटिंग अप ऑफ माइंड्स. मीटिंग अप ऑफ क्या बोलिए? माइंड्स. कंसेंसस एड ईडम. कंसेंसस एड ईडम का मतलब होता है मीटिंग अप ऑफ माइंड्स. कंसेंसस एट ईडम का मतलब होता है मीटिंग अप ऑफ माइंड्स. यानी कि दो लोगों के बीच में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दो लोगों का माइंड मैच होना बहुत जरूरी है. दो लोगों का माइंड मैच होना बहुत जरूरी है मतलब क्या है कि दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट का जो माइंड है वो मैच हुआ है. मैं लॉ पढ़ाता हूँ और आप भी मेरे से लॉ पढ़ने आए हो, इसी को बोलते हैं मीटिंग ऑफ ऑफ माइंड्स. इसका सिंपल सा मतलब होता है कि पार्टी मस्ट अग्री इन सेम सेंस. पार्टी मस्ट अग्री इन सेम सेंस फॉर सेम थिंग. पार्टी मस्ट अग्री फॉर सेम सेंस फॉर सेम सेंस फॉर सेम थिंग. आप लोगों को कल तक मैट इश्यू हो जाएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, घबराना नहीं है. पार्टी मस्ट अग्री इन सेम सेंस फॉर सेम थिंग, ठीक है. थर्ड जो एसेंशियल कलर नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, मैं नेक्स्ट बार से ये कलर यूज नहीं करूँगा. थर्ड जो एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो होना चाहिए, जैसे कि पहला हो गया अग्रीमेंट, सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट दिया है. पहला हो गया अग्रीमेंट, दूसरा हो गया कंसेंसस एट ईडम, थर्ड हो गया कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का औकात किसके पास है. कॉन्ट्रैक्ट करने का औकात किसके पास है? एक सेकंड बेटा. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या किसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो सबसे पहले आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? एक बच्चा के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनर. आप एक माइनर के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. माइनर कौन होता है? माइनर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो 18 साल से कम है, और ऐसा लिखा गया है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में. सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट बोलता है माइनर इज अ पर्सन हुज एज इज बिलो 18. जिसका उम्र 18 साल से कम हो उसको माइनर बोलते हैं, और आप माइनर के साथ किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. नंबर 2, आप पगला के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. पगला के साथ, अनसाउंड माइंड के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अब जो पगलापन है ना बेटा, तीन तरह का पगलापन होता है जिसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. पहला पगलापन होता है लूनेटिक, दूसरा पगलापन होता है इडियट, तीसरा पगलापन एकदम मेरा फेवरेट है, तुम ही लोग है, इंटॉक्सिकेटेड.
जो तुम लोग डेली करके आता है बोलो तो क्या? सस्ता नशा, इंटॉक्सिकेटेड। देखो अगर तुम देखोगे तो ये तीनों कैटेगरी में, अगर तुम देख पा रहे हो तो ये तीनों कैटेगरी में आपका जो माइंड है उसका सेंस लॉस्ट हो चुका है, आपका जो माइंड है उसका सेंस लॉस्ट हो चुका है और आप इस लॉस्ट सेंस से कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट पे डिटेल डिस्कशन है, अभी मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ सेक्शन 8 ऑफ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो ये बोलता है अग्रीमेंट होना चाहिए, नंबर 2 कंसेंसस एट इडम होना चाहिए, नंबर 3 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, नंबर 4 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनर के साथ नहीं कर सकते, अनसाउंड माइंड के साथ नहीं कर सकते, और वो बंदा जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। डिसक्वालिफाइड ऑफ बाय लॉ का मतलब होता है कानून के नज़र में जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं एक एक बार के लिए एग्जाम्पल बोलूँ तो कन्विक्ट जो जेल में है, कानून उसको मना करके रखा है कि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एसेंशियल एलिमेंट कितना हुआ? 3। भैया 3 कहाँ, 6 हो गया। तो अबे ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। आर वी थ्रू विद दिस? तो सबसे पहले अग्रीमेंट होना चाहिए, नंबर 2 कंसेंसस एट इडम, नंबर 3 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके 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 3 एसेंशियल कंडीशन हो गया गिवन अंडर सेक्शन 10। 4 बोलता है लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो लेन देन जो हो रहा है वो लेन देन सिर्फ लेन देन नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। एकदम सिंपल सा लॉ है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसका बाद में हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे बट अभी के लिए नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और कंसिडरेशन जो भी दे रहे हो वो लॉफुल दो। मान लो हम तुमको पढ़ाए, तुम बोले लीजिए भैया ये लीजिए एकदम ड्रग्स है, एकदम ड्रग्स है, इसको लीजिएगा तो मस्त नशा होगा, आप मेरे को पढ़ाया इसलिए हम आपको ये नशा दे रहे हैं। अलाउड कि नॉट अलाउड? नॉट अलाउड ब्रो, द नशा इज इट सेल्फ इज नॉट लॉफुल, द नशा इट सेल्फ इज नॉट लॉफुल, लॉफुल नहीं है ये, लॉफुल नहीं है ये, छी लॉफुल नहीं है, नीच। नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट, नेक्स्ट क्या आता है बोलो? फ्री कंसेंट। याद रखना जो फ्री कंसेंट है उसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 14, डील्स विद व्हाट? फ्री कंसेंट, डील्स विद व्हाट बोलो? फ्री कंसेंट। अब तुम लोग जैसा नीच आदमी लोग उठ के बोलेगा अभी तो सेक्शन 10 पढ़ा रहे थे, सेक्शन 10 पढ़ा रहे थे, अचानक से 14 कहां से आ गया? अबे 14 में बताया है कि फ्री कंसेंट क्या होता है, और फ्री कंसेंट एसेंशियल एलिमेंट है ये बताया है सेक्शन 10 में। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे, समझ रहे भैया। कंसेंट क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है मर्जी, मर्जी। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मर्जी होना चाहिए, और वो जो मर्जी होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। फ्री कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मेरे को कोई जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट नहीं करो, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट नहीं करो ना, मेरे माथा में बंदूक रख के कॉन्ट्रैक्ट कर, कॉन्ट्रैक्ट कर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भैया। ये सब ये एसेंशियल कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे, आप लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कंसेंट फ्री होना चाहिए। मैं बोला ठीक है, चिल्ला मत बस ये बता दे कि कब माना जाता है कि कंसेंट फ्री है। हम बोले देखो अ कंसेंट इज सेट टू बी फ्री, अ कंसेंट इज सेट टू बी फ्री, वंस मोर, अ कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम 5 थिंग्स, a consent is said to be free when you are free from 5 things, once more, according to section 14, a consent is said to be free, a consent is said to be free, a consent is said to be free when you are free from 5 things, number 1 coercion, number 2 undue influence, number 3 fraud, number 4 misrepresentation, number 5 mistake. Wow! A consent is said to be free when you are free from 5 things. Number 1, coercion. Number 2,
अनड्यू इन्फ्लुएंस, नंबर 3 फ्रॉड, नंबर 4 मिसरिप्रेजेंटेशन, नंबर 5 मिस्टेक। अगर आप इस 5 चीजों से फ्री है तो आपका जो कंसेंट है वो फ्री माना जाता है। सेक्शन याद कर लो, 14 के बाद आता है 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 20। सही पढ़े तुम लोग, सही पढ़ो। 18 के बाद 19 आता है, बट यहां पे 18 के बाद 20 आ रहा है। ओके भैया, ओके ओके भैया, ये सब क्या होता है भैया? हम बोले ये सब पढ़ाएंगे बेटा, ये सब पढ़ाएंगे। अगर आत्मा शांत नहीं हो रहा सुन लो, कोअर्जन मतलब होता है धमका के कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना, धमका के। साइन तो हम ही किए, धमका के। माथा में बंदूक रख दिया कोई, माथा में बंदूक रख दिया, बंदूक रख ना साला, बंदूक रख, माथा में बंदूक रख के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया। क्या मेरा कंसेंट है? हाँ कंसेंट है, बट कंसेंट फ्री नहीं है। बट कंसेंट तो है, बट कंसेंट फ्री नहीं है। समझ गए भैया, समझ गए, आप समझा दिए, वही काफी है बाकी आके। ओके भैया ओके, 5 एसेंशियल कंडीशन हो गया, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट, कंसेंसस एट इडम, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, बोलो बोलो बोलो, लॉफुल कंसिडरेशन, 5th क्या है? फ्री कंसेंट। 6 देखो भैया, आप पागल है क्या भैया, इतना चिल्लाते हैं भैया, पागल है आप भैया। जोश में पढ़ो बेटा, जोश में। करियर समझ के पढ़ो, करियर समझ के, एकदम पैशनेट लो। हम पढ़ाते बहुत पैशनेटली है, मेरे को बहुत अच्छा लगता पढ़ाना, और बवाल पढ़ाते, तुम लोग भी बवाल पढ़ो। फ्री कंसेंट समझ आ गया? ओके अब सुनो, अब है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का जो बेस होता है ना कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम लोग का एजुकेशन है वो लॉफुल है कि नहीं है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। फिर बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करो जो पॉसिबल टू परफॉर्म हो, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करो जो पॉसिबल टू परफॉर्म हो। हम अपनी गर्लफ्रेंड को बोले जानू मेरी जान, हाँ यही करो, गाना गाओ बैठ के, जानू तू मेरी जान है, मैं तेरे लिए नागमनी ले आऊँगा, जानू तू मेरी जान है, मैं तेरे लिए नागमनी ले आऊँगा। क्या ये पॉसिबल है परफॉर्म करना? क्या ये पॉसिबल है परफॉर्म करना? क्या ये पॉसिबल है क्या? तो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा मत कर लो जो पॉसिबल ना हो परफॉर्म करने के लिए। यू नीड टू पॉसिबल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करो जो पॉसिबल हो परफॉर्म करने के लिए। और लास्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मत करो, इलीगल कुछ नहीं होना चाहिए, इलीगल कुछ नहीं होना चाहिए। तो जितना भी एसेंशियल एलिमेंट है जो दिया हुआ है सेक्शन 10 में, अगर वो सारा एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड। जब सारा एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड। आई होप आपको यहां तक समझ आया। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या देना पड़ेगा? ऑफर, ऑफर का सेक्शन बोलो 2A, एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का सेक्शन बोलो 2B, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू व्हाट? अग्रीमेंट, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आया हो। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे कल यानी कि टुमॉरो। और जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, जूम से भी जो भी कनेक्टेड है, होप सो समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा नीच लोग तो मैसेज करोगे नहीं समझ आ रहा है, और अगर समझ आ रहा है अच्छा बात है, कूल। चलो आप लोग भी बनाओ, चलो बाय, टेक केयर।